आज अंतर्राष्ट्रीय संपा फाटक जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। बलते रेल नागपुर मंडल में 7 जून से 12 जून तक इस अभियान के तहत आम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लाउडस्पीकर पर घोषणा, नुक्कड़ नाटक, बैनर, सेमिनार, प्रेजेंटेशन आदि जागरूकता पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नागपुर मंडल में कुल 183 संपार फाटक है जो पूरे के पूरे मानव युद्ध है। यह देखा गया है कि रेल फाटक बंद होते हुए भी जनता को उसे पार करने की जलती रहती है, जिससे फाटक दुर्घटना होती है। सिर्फ कुछ पल का समय बचाने का इंतजार न करने के कारण ऐसा होता है। जीवन बहुमूल्य है, इसे ऐसे ही न गवाए। फाटक पर रुके और फाटक खुला होने पर ही उसे पार करे, और जहाँ फाटक नहीं है वहाँ दाएं बाएं देखकर गाड़ी नहीं आ रही है ये सुनिश्चित करके ही रेल फाटक पार करे। संपार फाटक पर सावधानी से दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। रेल विभाग के नागपुर मंडल की ओर से आज जो है इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग डे मनाया जा रहा है। साथ ही 7 जून से 12 जून तक ये सप्ताह भी मनाया जा रहा है। इस दौरान कौन से अभियान या कौन से कैंपेन चलाए गए हैं इसकी जानकारी हम ऋचा खरे जो मंडल प्रबंधक है उनसे जानेंगे। क्या बताना चाहोगे मैम? नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय संपार फाटक जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। मध्य रेल नागपुर मंडल में 7 जून से 12 जून तक इसको एक अभियान के तहत इसमें आम जनता, रेल कर्मियों और समाज की जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक, लाउडस्पीकर पर घोषणाएं और बैनर, पोस्टर, प्रेजेंटेशन, सेमिनार आदि, जिससे कि आम जनता की इसके बारे में जागरूकता बढ़े। मध्य रेल नागपुर मंडल में कुल 183 संपार फाटक हैं। आमतौर पर ये देखा गया है कि जनता जब रेल फाटक के पास पहुंचती है तो उसे पार करने की उन्हें जल्दी रहती है, चाहे वो ना रुकते हैं ना देखते हैं कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं, और उसे जल्दी पार करने की कोशिश करते हैं और जिससे दुर्घटनाएँ होती हैं। तो जीवन बहुमूल्य, हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि थोड़ा समय लगे लेकिन लोगों का जीवन बचे, इसलिए यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और संपार फाटक पर सावधानी से दुर्घटनाओं से बचा जा सके इस के लिए लोगों में जागरूकता बढ़े। धन्यवाद। बिल्कुल, नागपुर मंडल में कुल कितने मानव रहित और मानव युक्त गेट है जहां से आना जाना, आवाजाही जो है होती है? नागपुर मंडल में वैसे तो कुल 183 गेट हैं और अब सभी मानव युक्त हैं। जहाँ खतरा कम है ऐसा बोला जा सकता है? आप कोई भी, जैसे पहले समय में होता था कि फाटक पर कोई रेलकर्मी नहीं रहता था और लोग और भी ज़्यादा दुर्घटनाओं की संभावना रहती थी, अब चूंकि सभी फाटक पर रेलकर्मी तैनात रहते हैं तो वो मतलब उसकी चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल, एक आखिरी संदेश जो है जनता को क्या देना चाहोगे? जीवन मूल्यवान है और इसलिए समय से ज़्यादा मूल्यवान जीवन है, तो थोड़ा समय लगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बट दुर्घटना से बचना ज़रूरी है नागरिकों को, ये संदेश है हमारा। समय से जीवन मूल्यवान है, ऐसा संदेश जो है रेल प्रबंधक ऋचा खरे द्वारा दिया गया है और आज जो है अतिशय उपयुक्त जानकारी उन्होंने हमें दी है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।